हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं आज हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। वो F2M टॉप सर्जरी के लिए आए हैं। बेसिकली इनका लिए क्या, कब से है ये आपको सर? मतलब इस चीज से जो जूझना है जी, वो तो बचपन से ही है। ठीक है। अपने मन में एक मेंटेलिटी थी कि शादी नहीं करना, जो लड़के से नहीं करना है। और अगर मेरी खुद फैमिली के बारे में अगर जानना चाहो तो हम मतलब ज़्यादा सिस्टर हैं और भाई बाद में हुआ। तो मेरी मेंटेलिटी पहले से यही थी कि मुझे लड़के की तरह रहना है, शादी नहीं करना है। अब उस चीज़ के बारे में पता चला है तो मैंने सबसे पहले मतलब पैसे का जो इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए, पढ़ाई के बाद में कुछ नहीं था, पहले मैंने उसके लिए सोर्स इकट्ठा करे कि कहाँ से मेरी इनकम इंक्रीज हो, कहाँ से पैसा आए और मैं सबसे पहले सर्जरी करवाऊँ ताकि मैं अपना काम बढ़ा सकूँ, अपने परिवार की मदद कर सकूँ। बहुत अच्छा। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं पेशेंट का थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। वो चाहते हैं अपनी फैमिली की हेल्प करना और इसी को उन्होंने बचपन से अपने माइंड में रखा है और उसी चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करना है। अब हम आपके सामने जो जिस तरह से हम सर्जरी प्लान करते हैं उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा सुप्रासर्नल एरिया है, ये आपका मिड लाइन आ गया, ये आपका इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है, देख सकते हैं दोनों तरफ, और आपका ये मिड लाइन वाला पार्ट है। बेसिकली हम लोग उनमें उन पेशेंट्स में इसमें दो तरह की सर्जरीज करते हैं। टॉप में एक डबल इंसिजन रहता है और एक कीहोल मैस्टेक्टमी रहता है। अब पेशेंट्स को इसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको कीहोल कराना है या फिर हम डबल इंसिजन वाली मैस्टेक्टमी कराएंगे। अब उसमें समझने वाली बात ये है कि जो कीहोल मैस्टेक्टमी रहता है वो उन पेशेंट्स में प्रेफर की जाती है। फर्स्ट थिंग इज पेशेंट्स चॉइस। सम पेशेंट्स दे आर मोर कम्फर्टेबल विथ की होल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग ए बिग स्कार, डिस्पाइट के उनको पता है कि उनके स्किन की ज़्यादा है अवेलेबिलिटी और फैट भी ज़्यादा रहेगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत लैक्सिटी स्किन में रहती है सर्जरी के बाद भी हम। और लेकिन कुछ पेशेंट्स उनको रहता है कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ बराबर स्कार आ जाएँ, उससे हमें कोई फ़र्क मैटर नहीं करता, हमको तो कम्प्लीट फ्लैट चेस्ट चाहिए। उन लोगों के अंदर हम लोग डबल इंसिजन प्लान करते हैं। अब उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है दोनों को, अगर एक न्यूट्रल पेशेंट है उसके लिए क्या रहेगा, जो कि अपनी चीज़ को लेके जिसको आइडिया नहीं है कि उसको क्या करवाना चाहिए, तो हम लोग उनको इस हिसाब से गाइड करते हैं कि जिन पेशेंट्स में आपके ये स्किन वाला पार्ट और फैट वाला पार्ट कंपैरेटिवली लेस रहेगा, वो सब क्लिनिकल जजमेंट पे आपको रहता है, डिसाइड करते हो आप, और जिनमें ये कम रहेगा उन पेशेंट्स के अंदर आप कीहोल मैस्टेक्टमी प्लान करते हो। और जिन पेशेंट्स को हमें पता है कि हम कीहोल करके हम कंप्लीट फैट की थिनिंग नहीं कर सकते, हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, हम उन पेशेंट्स के अंदर डबल इंसिजन मैस्टेक्टमी करते हैं। कीहोल के अंदर हम छोटा सा इंसिजन बनाएंगे, यहाँ पर नियर अबाउट 0.5 सेंटीमीटर समथिंग का, वो इससे हम लाइपोसेक्शन करेंगे और जो बाकी रहता है उसमें हम पेरियोल इंसिजन लेते हैं छोटा सा, उससे हम अपना जो ग्लैंड रिमूवल है वो वाला पार्ट करते हैं। इसके अंदर हमको निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। डबल इंसिजन के अंदर हम लोगों को निपल का फ्री ग्राफ्ट निकालना पड़ता है, इसी से इंसिजन लगता है और उसमें पूरा एक अलग से मैस्टेक्टमी करके हम उस हिसाब से सर्जरी करते हैं और बाद में उसको क्लोजर करके फिर फ्री निपल ग्राफ्ट को एडजस्ट करते हैं। फ्री अब डबल इंसिजन हम किस तरह से प्लान करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हमने इसकी मार्किंग कर ली है, आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये मिड लाइन है, ये छोटे लाइपोसेक्शन के पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हम निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के पास में छोटा सा इंसिजन लेंगे और हम उससे अपने लाइपोसेक्शन कर देंगे और बाकी फैट का और ग्लैंड का रिमूवल कर देंगे। और कुछ जानना चाहते हैं आप सर इसके बाद में, सर्जरी के बाद में कितना क्या रेस्ट लगेगा? और हाँ, देखिए बेसिकली हम 24 to 48 hours मैक्सिमम हम पेशेंट्स को मोस्टली हम 24 hours के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई पेशेंट फिर भी कई बार दो दिन रुकना चाहते हैं तो दो दिन रुक जाते हैं, हम फर्स्ट ड्रेसिंग करके पेशेंट को भेजते हैं। सेकंड थिंग, इसके अंदर प्रेशर गारमेंट का रोल बहुत बड़ा है। प्रेशर गारमेंट आपको हम सर्जरी के ऑन टेबल ही पहना देते हैं प्रेशर गारमेंट, जिससे कि फैट आपका ये पार्ट है कंप्रेस करके रहे तो उसके शेप बेटर आती है। कुछ को जो स्किन की लैक्सिटी वगैरह अवेलेबल रहती है उनके अंदर क्या रहेगा कि उनको लगता है कि नहीं अभी भी ये ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि हमारी स्किन और एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो किसी किसी पेशेंट्स के अंदर हमको वो स्किन अगर एक्स्ट्रा रहती है तो आगे जाके फ्यूचर में एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके पर, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। इतने ब्रेस्ट के साइज़ के अंदर हम मोस्टली आपका कीहोल मैस्टेक्टमी से काम चल जाता है। अगर आगे फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं और मेरे को और फ्लैट चाहिए चेस्ट और लूजनेस होना चाहिए तो फिर हम उनको डबल इंसिजन करते हैं, उसमें स्कार बड़ा आता है पर ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती नहीं उस चीज़ की।